सुख मैं बहुत संगी भए, दुख मैं संग ना कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। सुख मैं बहुत संगी भए, जब सुख का समा होता है और वाले बथेरे लोग कट्ठे हो जाते हैं, संग संगी बथेरे हो जाते हैं, दुख मैं संग ना कोए, दुख दे बिच दुख नहीं कोई बना सकता, सुख कोई बना सकता है, कहने का मतलब है सुख का टाइम है तो कोई शेयर कर सकता है, कोई दुख नहीं शेयर कर सकता, कोई दुख नहीं शेयर किया जा सकता, सुख में समझना कोई कौन नानक हर भजवाना, इस करके तू हर दे नाल जुड़, वो दुख जरा तेरा है, वो दुख दे भी शेयर वो कर सकता, होर नहीं कोई कर सकता, अंत सही हो, अंत वेले तेरी सहायता वही करूंगा, दुख वेले सही वही हो सकता है, दुख बड़े हो दूजा संसारी आदमी नहीं कोई सहाई हो सकता, तेरे अंदर लाई तेरा सहाई है, सुख बड़े नहीं हो सहाई बहुत है, सुख की लोड़ नहीं, दुख बड़े सहाई है। हां जी, ताही लिखा जी दुख दारू सुख रोग पया है जी। हां दुख दारू सुख रोग पया, ठीक है जी। इथे थोड़े किवें लिखे सुख मैं बहुत संगी पाई लिखे कि सुख मैं बहुत संगी पाई लिखे, चलता मेरे को। अच्छा, दूसरा दुख मैं संग ना कोई है कि उत्थे भी मैं ही है, मैं ही है, बिचा उना बिच लगदा ता हाय नु सारी नाले आऊगा। हां जी, जेड़ा टीका है मेरे को ओ कहंदा सुख मैं, उन्हां ने पहला सुख दे नाल मैं लाया, दूसरे दुख नाल मैं लाया होया, ते जेड़ी छापे वाली बीड है ओ दोहे जगह मैं ही लाया होया, जेड़ा कम कर नाल दा गल दसदा ओ ते कीता ही नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ 32 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ।